हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज सोमवार है, आज छुट्टी है, छुट्टी का ही दिन है, आज ऑफिस है। हमें सुबह से मीटिंग ज्वाइन कर चुका था 9:30 बजे और अभी लगभग 12:30 बज रहे। तब तक मैं एक ही जगह पे बैठा था क्योंकि आज हमारा प्लानिंग है, नया काम, नई 21 दिन की प्लानिंग हो गई है। और अभी मैंने ब्रेक लिया है थोड़ी देर और फिलहाल खा रहा हूँ। जो हम नहीं गए थे प्रति शिरडी, वहाँ से मैं हमने ये प्रसाद लाया था तो ये खा रहे हैं। फाइन, आधा तुम लोग आधा मुझे दो। और सुनील का तो काम चल रहा है, उसने दरवाजा लॉक कर लिया है क्योंकि ये लड़की उसको डिस्टर्ब करती रहती है इसकी वजह से। कौन? वो पूरा, उसको मैंने लड्डू दिया, उसमें से उसने सिर्फ थोड़ा सा लिया, वो पूरा मैं खा रहा हूँ। कैसा मैं पतला होऊंगा और कैसे तुम मोटी होगी बताओ? मोटी होने के लिए मीठा खाना जरूरी नहीं। फिर क्या जरूरी है? कम मीठा खाने से भी पतला हो जाता है। खाती क्या है? एक रोटी खाती है सुबह, एक रोटी दोपहर में, एक रोटी रात को, इससे मोटा थोड़ी होगा कोई। अरे इसको क्या हो गया? पानी जा रहा है। देखो कैसे आवाज कर रहे, पानी जा रहा है या आ रहा है? मतलब सुबह से अब तक पानी होता है क्या 12 बजे तक पीने का? पीने का। चलो सुनील को भी थोड़ा सा लड्डू दे के आते हैं। लड्डू और एक लड्डू का पैकेट लाया है दोस्तों, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। मेरे लिए ला के दिया और खुद ही खा लिया, मुझे मेरे हाथ से ले लिया। तो थोड़ा ही देने वाला था, तूने लिया नहीं और इसने फिर ले ले। इसको पहली बार दिया तो इसने इतना इत्तु से लिया और अभी पूरा खा लिया। बोल खाली को देना कांटा किसने लिया? पहले एक क्यों सर? नहीं नहीं आई एम रेडी। हां हां इसको पूरा दे दे, ये खाने नहीं देती। नहीं खा खा पूरा खा। और ये दो अभी मेरे, ये दो को हाथ नहीं लगाने का, इसमें डाल दो, ये भी आप रखो। चलो भाई अपने काम के लिए जाते। पायल खाने का टाइम हो जाए तो बता देना, ठीक है? आज ना थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हो गया ऐसा लग रहा है क्योंकि आंखों से पानी आ रहा है, छींके आ रही है, सर्दी हो गई है। फीवर वगैरह नहीं है पर ये थोड़ा सा लग रहा है अभी। दोस्तों 5:30 बज चुके और अभी मैंने छुट्टी ले ली है और फिलहाल मूंगफलियाँ खा रहा हूँ, भूख लगी है और थोड़ा ना बीमार सा फील कर रहा हूँ। मेरे नाक में से बहुत पानी आ रहा है, मतलब जुकाम सा हो गया है और थोड़ा सा इधर से ये आँख भी दुख रही है मेरी, ये पूरा साइड। देखते हैं मेडिकल में जाके कुछ टैबलेट वैबलेट लेके आता है। पायल की भी तबीयत थोड़ी डाउन है इसलिए पायल बाहर आके बैठे। तेरी भी तबीयत डाउन है ना? तो दोस्तों फिलहाल मैं आज खाना बनाने वाला हूँ, खाना मतलब दाल में बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी दाल कुक हो रही है, इसको है ना एक दो बार ऐसे पकाना पड़ेगा। इसको बोलते शिट्टी होना मराठी में बोलते, मतलब 3-4 बार हो जाए ऐसे तो फिर इसको उतार लेंगे नीचे। पायल तुम्हें क्या लगता है टेस्टी खाना बना पाऊंगा आज मैं? टेस्टी दाल बन पाएगी? सबसे पहले लगेगा हमें प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी मिर्च और टोमेटो, ये सब चीजें हम काट के लेते हैं सबसे पहले। चलो ये देखो प्याज तो इधर दे दिया है, चलो कट करते हैं। एक टोमेटो, 3-4 मिर्च देना सिर्फ, हाँ बस इतने, बस हो जाएंगे। और लहसुन देना थोड़ा सा, लहसुन है क्या छिला हुआ है या छिलना पड़ेगा? इसमें निकाल के रखा है क्या? वाह आज तो मेरा काम आसान हो जाएगा फिर। आज मतलब क्या है, आज पहली बार ही बना रहा हूँ। पायल बोल रही है अच्छा बना तो हर रोज बनाना पड़ेगा। लगा क्या? लग जाता है, कुकिंग सीख रहा हूँ। तो देखो दोस्तों ये देखो प्याज ले लिया है, लहसुन ले लिया, मिर्च ले लिया, इसको कट कर दे अभी फटाक से। ये देखो दोस्तों मैं प्याज कट करने की टेक्निक बता दो, ये जो उंगली है ना इसको ऐसे सीधा रखने का है और इससे ऐसे चाकू खिसकाने का है, मतलब आपके उंगली को लगता भी नहीं है वो और सही से कट भी जाता है। और फिर इसको इधर अंदर से एक देने का ऐसे और ऐसे कट हो जाता है, फिर ऐसे छोटे छोटे इसको कट करना है। ये बड़ा वाला होता है, इसको निकाल के फेंक दो। अरे ओ मम्मी रुको रुको मैं देती हूँ बाकी के, नहीं नहीं मैं बाकी के मैं कट करती हूँ। नहीं नहीं मैं बोलो ना, नहीं करूंगा, मुझे करना है सब कुछ। नहीं फिर तुझे निकालनी पड़ेगी, अगर अच्छी नहीं बनी तो तू भी उसमें। नहीं नहीं मैं क्या टमाटर देती हूँ, सॉरी बटर, ये क्या प्याज देती हूँ। अरे नहीं मुझे कट करना है, ले लो ना।
नहीं नहीं देखो भाई, पायल ने जबरदस्ती मेरे हाथ से ले लिया है, मैं कट कर रहा था, कर दो अभी, एक ही डालेंगे पैर, ज्यादा मत करना पैर, तूने छोटी छोटी ली है क्या? तो चलो दोस्तों अभी पैर तो कट कर दिया, अभी बाकी चीजें कट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। टोमेटो मेरे आंखों से अभी भी पानी आ रहा है, कैसे करते हुए लेडीज लोग, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क होता है दोस्तों। मुझे पायल नहीं बोलने को बोला है। हाँ, नहीं मैंने कुछ भी क्या बोलते हो भाई, कुकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये एप्रॉन, ये तो रह गया मेरा। मास्टर से स्वप्निल लालू की एंट्री हो रही है अभी यहाँ पे, कर पाएगा मैं पायल, क्या लगता है टेस्टी बन पाएगी? सुनील को पसंद आ गई, मतलब मैं सक्सेस हो गया। ये सारी सब्जियां कट हो रही थी तब तक यहाँ पे दाल दाल तैयार हो चुकी है। सबसे पहले गैस ऑन करना है आपको, ऑन हो गया। नहीं, इसके ऊपर कढ़ाई, कढ़ाई में डालना है थोड़ा सा ऑयल, फिर डालेंगे थोड़ा सा पैच। कितना ऑयल डाला है? थोड़ा पैच तो ये गर्म करने दो ना। अरे ऑयल में ही करो, वो वैसे ही जल जाता है पैच। अरे यार मेरे तरीके से करने दो ना यार, पायल गलत हुआ तो तुम जिम्मेदार रहोगे इसके लिए। मैंने क्या किया है? अरे उसमें थोड़ी ठीक है जीरे डालने चाहिए थे, जीरे मिर्ची फिर प्याज। प्याज पहले भून लेने का अच्छे से, फिर प्याज है ना ये हो गया है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, फिर उसमें डालेंगे जीरे मेरे सब। किधर है जीरे? ऑयल डालो ना थोड़ा। अरे मैं देती हूँ ना, तुम मुझे दे दो। ये मसाले रुको ना, फिर जीरे के जीरे भी उसमें रखने के ना भाई। नहीं नहीं उसमें मसाले रखती हूँ, थोड़ा ऑयल डालते हैं। मेरा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कैमरामैन स्वप्निल के साथ, नहीं कैमरामैन पायल के साथ। स्वप्निल जीरे डाले, फिर थोड़े से इसमें डालूंगा। ओ वो जल रही है, इसमें थोड़ी सी धनिया है ना। कौन सी? अरे वो मसाले, ठीक है चलो थोड़ा मसाला खा लेंगे। ये लाल मिर्चे उसमें डालना तू, बस बस। और ये धनिया है क्या? नहीं धनिया इसमें, और ये हल्दी, बस 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 हल्दी। हाँ हल्दी डाल, कुछ भी कर रहे हो। टोमेटो, अरे ये दोनों डालने थे। अरे तुम लोग को पाया जाएगा, कल की हिम्मत करो। अभी इसमें मिर्च और लहसुन, अभी इतना टेस्टी इसमें ही आप फेल हो गए हैं। क्यों? ऐसे कौन बनाता है? थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ेगा, ज्यादा ऑयल मत डालना पाए खाने में। ये किसकी हो रहा है? पहली बार कर रहा हूँ मैं, मतलब बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ। कितना अभी क्या डाल रहे इसमें? दाल डाल दो, मुझे दाल डालने दो। पानी लो थोड़ा, मस्त दाल अभी तैयार हो रही है। और थोड़ी गाढ़ी करनी है या कैसी चाहिए आपको, कैसे पसंद है दाल आपको? आपको मुझे नहीं, आपको भाई 10 मिनट में मेरे हवा टाइट हो गई। कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है एक बार में। प्याज गर्म हो जाओ जलने से पहले, नमक डालो, मिर्च डालो, सब डालो। आज की सब्जी अच्छा। पायल कैसे बनी मेरे हाथ की दाल, पसंद आ गई? तुमसे अच्छी है क्या? सुनील How will you rate my दाल? देखो दोस्तों मैं भी खा रहा हूँ दाल रोटी, अच्छी है ना सच में? मेरा मन रखने के लिए मत बोलो। दोस्तों सर्दी के लिए थोड़ा सा होम रेमेडी कर रहे हैं हम लोग, वैसलीन है क्या? सॉरी विक्स से, मुझे लगा वैसलीन क्यों डाल रही है। इसमें डाला है, अभी थोड़ी सी भाप लेते हैं।
तो चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को ये पे एंड कर देते हैं और अभी सोने का टाइम हो चुका है। कल ऑफिस है तो मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे कल ठीक नहीं लगता है तो मैं अपने मैनेजर को बोल दूंगा कि भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं घर रखूंगा। तो इसलिए मैं अभी जल्दी से सोता हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।